हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित, हमारा सब्जेक्ट होगा और कार्यपत्रक नंबर 94, और ये कार्यपत्रक है 22 फरवरी 2022 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे हम लोग पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करेंगे ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों का। ठीक है, तो इसमें एक केस स्टडी का क्वेश्चन दिया गया है हमारा। ये प्रश्न है, देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, पढ़ भी लीजिए और आगे चलेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पढ़ लीजिए। और इसके जो तीन क्वेश्चन दिए गए हैं इसी से रिलेटेड, इसकी इस स्टडी से, देखिए इसमें क्या दिया है। एक नदी के प्रत्येक किनारे पर दो सुंदर मंदिर हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये नदी है, इसके दोनों किनारों पर। ठीक है, एक मंदिर 50 मीटर ऊँचा है, एक धार्मिक व्यक्ति रतन जो 50 मीटर ऊँचे मंदिर के शिखर पर खड़ा है, यानी यहाँ पर, ठीक है, ने ऊपर से देखा कि अन्य मंदिर के शीर्ष और पाद का अवनमन कोण 30 और 60 अंश है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो इसे संबंधित तीन प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न ये है, पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा प्रश्न ये है और तीसरा प्रश्न ये है। ठीक है, आगे चलेंगे तो इन तीनों को हम लोग अच्छे से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ये इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, जो हमारा केस स्टडी के प्रश्न होते हैं वो आएंगे। ठीक ना, तो केस स्टडी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप लोग ढंग से करिएगा, आराम से करिएगा, अच्छे से समझ के करिएगा। तो चलिए फिर इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये केस स्टडी दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले, इसका सलूशन देखने से पहले, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे हमारे दूसरे चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का नाम है जेनिकलर। वहाँ पर आप लोगों के लिए 9th, 10th, 11th और 12th का जो मैथ्स है वो पढ़ाया जा रहा है, स्टार्ट है। साथ ही में जो हमारा फिजिक्स है वो भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेशन के लिए तो नहीं, अगला जो हमारा सत्र होने वाला है उसके लिए आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाला है उस चैनल पर, अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। ठीक है, तो जाइए फटाफट उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए देखते हैं, ये जो हमारा है केस स्टडी, ये दिया गया है, एक नदी के प्रत्येक किनारे पर दो सुंदर मंदिर स्थित हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा है नदी, इसके दोनों किनारों पर, और ये जो हमारा नदी है इसके दोनों किनारों पर दो मंदिर हैं। ठीक है, पहला मंदिर है ए बी और दूसरा मंदिर है ये सी डी। ठीक ना, तो बोला है कि एक मंदिर 50 मीटर ऊंचा है, जो हमारा ए बी मंदिर है वो 50 मीटर ऊंचा है। एक धार्मिक व्यक्ति रतन, एक व्यक्ति है रतन जो 50 मीटर ऊंचे मंदिर के शिखर पर खड़ा है, यानी इस मंदिर ए बी के ऊंचाई पर खड़ा हुआ है, यानी शिखर पर, टॉप पर, यहाँ पर बिंदु ए पर, और वहाँ से देख रहा है कि ये जो दूसरा मंदिर है उसके शीर्ष और पाद का अवनमन कोण 30 और 60 अंश है। शीर्ष का अवनमन कोण यहाँ पर ये जो है 30 अंश है, और पाद का अवनमन कोण यहाँ पर देख सकते हैं ये 60 अंश है। ठीक है, आपके वर्कशीट में भी ये डायग्राम बना हुआ है, वहाँ पर देख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे देखिए इसमें प्रश्न दिया है कि छोटे मंदिर के शिखर से ऊंचे मंदिर के शिखर तक के उन्नयन कोण का माप ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि छोटा जो मंदिर है, ये जो छोटा मंदिर है डीसी, इसके शीर्ष से, शीर्ष हो गया डी, और ऊंचे मंदिर के शीर्ष ए तक का जो उन्नयन कोण है, यानी हमारा ए डी एफ, ये हमको ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं छोटे मंदिर के शिखर से ऊंचे मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कोण ए डी एफ, कोण ए डी एफ जो होगा वो किसके बराबर होगा, डी ए ई के बराबर होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वो एकांतर कोण होते हैं। ठीक ना, यहाँ पर देखिए कैसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है ए ई ए डी एफ, तो अगर ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होना चाहिए, है ना। अगर कोण ए 30 अंश है तो कोण डी भी हमारा 30 अंश का होना चाहिए, तो वही हो जाएगा, यानी 30 अंश हो जाएगा, ए डी एफ 30 अंश हो जाएगा। पहला प्रश्न हो गया, समझ गया। दूसरा प्रश्न है, वह दोनों मंदिर में जाना चाहता है, यदि 1 मीटर नदी पार करने का किराया 20 रुपये है। ठीक है, 1 मीटर, ये जो नदी है वो कुछ मीटर है, और 1 मीटर पार करने का कितना रुपया लगता है, 20 रुपये। तो नदी पार करने की लागत ज्ञात कीजिए, यानी पूरा नदी यहाँ बी से सी तक जाने में उसको कितना रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग नदी की चौड़ाई निकालेंगे। ठीक है ना, नदी की चौड़ाई निकाल लेंगे और उसको हम लोग गुणा कर देंगे 20 से, तो हमारा लागत निकल आएगा, यानी किराया निकल आएगा।
ठीक है। चलिए तो दूसरा प्रश्न में देखिए, कोण सी कितना होगा हमारा, यहाँ पर ए सी और बी, ये होगा 60 अंश, क्योंकि हमारा सी ए ई भी 60 अंश है, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक ना। तो हो गया कितना, 60 अंश हो गया। आगे देखिए इसमें ए बी सी में, ठीक है, जो हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है यहाँ पर ए बी और सी में, अगर हम लोग टैन लगाते हैं, ठीक है, तो ए बी यानी लंब और बी सी यानी आधार, तो लंब बटे आधार इक्वल टू टैन 60 हो जाएगा। ए बी बटे ए बी सी बराबर टैन 60, ए बी का वैल्यू है हमारा 50, है ना, जो कि बड़े वाले मंदिर की लंबाई है, ऊंचाई है, और बी सी को ऐसे ही रहने दीजिए, इक्वल टू टैन 60 हो गया। तो यहाँ से बी सी बराबर कितना आ जाएगा, बी सी को इधर ले जाइए, रूट तीन को इधर ले आइए, तो 50 बटे रूट तीन हो गया, इसको अभी यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है। यानी नदी की चौड़ाई बी सी कितनी आ गई, 50 बटे रूट तीन आ गया। अब एक मीटर पार करने में कितना लगता है, 20 रुपये किराया, तो 50 बटे रूट तीन मीटर पार करने में कितना लगेगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वही हमने यहाँ पर किया है, देख पा रहे होंगे, एक मीटर नदी पार करने का किराया 20 रुपये, तो 50 बटे रूट तीन मीटर नदी पार करने का किराया 50 बटे रूट तीन इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1000, और बटे रूट तीन, रूट तीन का मान होता है 1.73, ठीक है, भाग कर देंगे तो आ जाएगा 578.03 रुपये, ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पर कितना रुपये लगेगा उसको पूरा नदी पार करने के लिए, 578 रुपये और कुछ 3 पैसे। आगे चलते हैं, देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में दिया है दूसरे मंदिर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दूसरा मंदिर हमारा क्या था, डी सी था, है ना, यहाँ पर डी सी था हमारा दूसरा मंदिर, और ये डी सी किसके इक्वल होगा, एफ बी के इक्वल होगा। तो अगर हम लोग को एफ बी मिल जाए तो डी सी आसानी से मिल जाएगा। तो अब एफ बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखें ए बी जो है हमारा दिया गया है, अगर हमको मिल जाए ए एफ, तो ए बी में से ए एफ घटा देंगे तो एफ बी आ जाएगा। अब ए एफ कैसे निकलेगा, तो ए एफ निकलेगा इस वाले त्रिभुज से, ए एफ डी से, इस त्रिभुज से निकल आएगा हमारा ए एफ, यानी हम इसमें लगा देंगे अपना टेन वाला सिस्टम, ठीक है। तो त्रिभुज ए एफ डी में हो जाएगा ए एफ यानी लंब और बटे एफ डी यानी आधार हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू टेन 30, हमारा जो एंगल था वो 30 डिग्री था। ए एफ का मान कुछ नहीं है तो ए एफ ही रहने दीजिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो एफ डी होगा वो किसके बराबर होगा, एफ डी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा, और बी सी का मान हमने कितना निकाला है, 50 बटे रूट तीन, यहाँ पर देख पा रहे होंगे दूसरे प्रश्न में, ठीक है, बी सी, और यहाँ पर हाँ, तो एफ डी, एफ डी कितना हो गया, 50 बटे रूट तीन हो गया बी सी के इक्वल, तो इसको 1 बटे रूट तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर इसको इसके साथ, ठीक है, क्योंकि 10-30 का मान 1 बटे रूट तीन होता है, गुणा कर दीजिए तो ए एफ इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया, है ना, 50 बटे रूट तीन इंटू रूट तीन, तो 50 बटे तीन हो गया सीधा सीधा, ठीक है। अब डी सी का मान कितना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये वैल्यू डी सी, ये डी सी किसके इक्वल होगा, एफ बी के इक्वल होगा, और एफ बी कैसे निकालेंगे, ए बी में से माइनस कर देंगे ए एफ को, तो वही यहाँ पर किया गया है, ए बी माइनस ए एफ, ठीक है, एफ बी बराबर ए बी माइनस ए एफ, ए बी का वैल्यू 50 है, ए एफ का मान हमने अभी अभी निकाला है 50 बटे रूट तीन, ठीक है, तीन का इधर मल्टीप्लाई करिए तो 150 हो गया, 50 गुड़े तीन यानी 150 माइनस 50 बटे तीन यानी 100 बटे तीन आ गया, और 100 बटे तीन को भाग कर देंगे तो 33.33 मीटर आ जाएगा, यानी दूसरे मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी, 33.33 मीटर हो जाएगी। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग इसको समझ लिए, जो हमारे केस स्टडी वाले प्रश्न थे उसको हमने तीनों प्रश्न अच्छे से सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्कशीट भी हमारा कंप्लीट हुआ, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इसको, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस चैनल को भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।